एक्शन पर बुरी तरह फंस गए केजरीवाल। बोली पड़ते तो पत्रकार को करा लिया गिरफ्तार। अब जमकर हो रही थू। केजरीवाल के लाडले की कमाई का कर दिया खुलासा। परिवार के सामने ही शादी से पत्रकार को कर लिया अगवा, बाद में दिखाया गिरफ्तार। डैडी की आड़ में जमकर छाप रहे लाखों रुपए। जूनियर और सीनियर केजरीवाल का पर्दाफाश। पत्रकार से दिल खोल कर निकाली खुन्नस। ये रचित कौशिक हैं, दिल्ली से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन इनकी एक रिपोर्ट ने ऐसा धमाका कर दिया कि बार बार खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल का पसीना छूट गया। पत्रकार रचित कौशिक ने दिल्ली सरकार के किसी मंत्री, विधायक या सांसद की करतूत से पर्दा नहीं हटाया, बल्कि अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल की कमाई का जरिया बता डाला। ये इतना बड़ा जुर्म हो गया कि रचित कौशिक को शादी समारोह के बीच कई लोगों के सामने उठा लिया गया। शादी में शामिल होने गए पत्रकार रचित कौशिक, कार सवार लोगों ने बीच शादी से उठाया। जब होने लगी थू, तब जाकर दिखाई गिरफ्तारी। दरअसल पत्रकार रचित कौशिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शादी में शामिल होने आए थे। पूरे परिवार के साथ वो शादी में शामिल हुए, तभी अचानक एक कार आई, वहीं उसी जगह रचित कौशिक को दबोचा और कार में जबरदस्ती डालकर ले गए। पहले तो हंगामा होने लगा कि पत्रकार का अपहरण कर लिया गया, लेकिन जब थू होने लगी तो पता चला अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि पंजाब पुलिस ने पत्रकार रचित कौशिक को गिरफ्तार किया है और दावा किया है कि रचित कौशिक के खिलाफ पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। रचित कौशिक ने खोल दी पुलकित केजरीवाल की पोल। डैडी के नाम पर जमकर कर रहे घालमेल। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार को राजनीति से दूर रखते हैं, लेकिन पत्रकार रचित कौशिक ने खुलासा कर दिया था कि कैसे उनके बेटे बिना कुछ किए हर महीने 10 लाख रुपए छाप रहे। अपने एक वीडियो में रचित कौशिक ने खुलासा किया था कि सीएम आवास यानी कि जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं, वहां पर पुलकित केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जो ट्रेडमिल लगाई है, उनका भी पुलकित 10 लाख रुपए हर महीने दिल्ली सरकार से किराया लेते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। इसके बाद दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब में मामले दर्ज हुए, क्योंकि केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए हर बार पंजाब में ही मामले दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन ये करके केजरीवाल ने नई मुसीबत मूल ले ली है। हर कोई लानत मलानत कर रहा है कि भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने वाला कैसे खुद ही लाडले के लिए पुलिस और कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। स्पेशल डेस्क सैम टीवी, सब्सक्राइब करें सैम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।